हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हम पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान के बारे में। राजनीति विज्ञान में संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे थे हम, जिसमें काफ़ी विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। पिछली हमने विशेषता पढ़ी थी स्वतंत्र न्यायपालिका। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कठोर एवं लचीले संविधान का जो मिश्रण है इसके बारे में। भारतीय संविधान कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण है, कैसे है? कठोर व लचीले संविधान का मिश्रण। भारत का संविधान कठोर एवं लचीले संविधान का मिश्रण है और इसमें संविधान में संशोधन जो किया जाता है उस संशोधन की क्या विधियां हैं इसके बारे में आज हम देखते हैं। भारत का संविधान कठोर लचीले संविधान का मिश्रण है। क्योंकि भारतीय संविधान में जो स्रोत है या भारतीय संविधान में जो विधियां जोड़ी गई है, भारत का संविधान बनाया गया तो काफी देशों की यात्राएं कर उनके संविधान का अध्ययन कर जो महत्वपूर्ण बातें थी, महत्वपूर्ण विचार थे, वो हमारे भारतीय संविधान में जोड़े गए थे। क्योंकि भारत में ब्रिटेन के संविधान से भी कुछ स्रोत लिए गए हैं। भारत में ब्रिटेन के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में भारत के संविधान में भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से कुछ स्रोत लिए गए हैं, स्रोत लिए गए हैं तथा कुछ स्रोत अमेरिका के संविधान से भी लिए गए हैं। अन्य कई देशों से भी स्रोत लिए गए हैं, अन्य कई देशों से स्रोत लिए गए हैं। भारत का संविधान ब्रिटेन की तरह लचीला भी है और अमेरिका की तरह कठोर भी है। भारत का संविधान ब्रिटेन के संविधान की तरह तरह लचीला एवं वह अमेरिकी संविधान की तरह कठोर भी है। भारतीय संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता के कारण
ही भारतीय संविधान में एक ये ध्यान रखा गया था, इस बात का ध्यान रखा गया था कि आने वाली समय में, आने वाली पीढ़ियों में, पीढ़ियों के बारे में ध्यान रखते हुए उन्होंने भारतीय संविधान में परिस्थिति अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने के लिए जो सिस्टम रखा था वो काफी भारतीय संविधान एवं भारत के लोगों के लिए फायदेमंद है। भारत के संविधान में परिस्थिति अनुसार, भारत के संविधान में परिस्थिति अनुसार बदलाव भी किया जाता है। भारत के संविधान में यह संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीकी संविधान से ग्रहण की गई है। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है, भारतीय संविधान में मुख्यतः जो संविधान संशोधन की विधियां रखी गई है वो तीन प्रकार की है। संविधान संशोधन भारतीय संविधान में संशोधन की तीन विधियां हैं। तीन विधियों में पहली विधि है संसद में साधारण बहुमत द्वारा, यानी कि हम सीधा लिख सकते हैं ऐसे, साधारण बहुमत से दूसरा है उपस्थित जो मत, यानी कि संसद में उपस्थित सदस्य हैं या तो कुल सदस्यों का है, वो बहुमत होना चाहिए कुल सदस्यों के 1/2, यानी कि जितने हैं 2+1 होना चाहिए, या फिर उपस्थित सदस्य उनका 2/3 होना चाहिए। कुल सदस्यों का बहुमत या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, या तो जितने हैं उनमें आधे से ज्यादा पक्ष में होना चाहिए, या फिर जितने वहां पर उपस्थित हैं
उनका 2/3 भाग पक्ष में होना चाहिए कोई भी संविधान संशोधन करना है तो। देखो इनमें ज्यादातर विधियां है साधारण बहुमत से ही, जो संविधान संशोधन है वो साधारण बहुमत से ही पास हो जाता है, लेकिन कुछ एक है जहां पर 2/3 या हम 2/3 बहुमत से वो काम होते हैं। फिर कुछ एक पार्ट है जिनमें ये तो है ही है कुल सदस्यों का बहुमत या फिर कुल सदस्यों यानी कि संसद के कुल सदस्यों, संसद के सदस्यों का बहुमत, संसद के सदस्यों का बहुमत या संसद के दोनों सदन, संसद में सदन तो दो है तो दोनों सदनों का बहुमत होना चाहिए, संसद के दोनों सदनों के बहुमत से पारित हो जाए यह प्रस्ताव सदस्यों या दोनों सदनों। बहुमत से या उपस्थित सदस्यों का 2/3 भाग, उपस्थित सदस्यों का 2/3 भाग, 2/3 बहुमत या अब इन दोनों में से एक होना चाहिए और साथ बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्यों का समर्थन। अब मान लो कोई छोटे मोटे परिवर्तन करने हो, राज्य का नाम परिवर्तन करना है, राज्य में विधान परिषद है उसको समाप्त करना है, या फिर विधान परिषद है वो नई विधान परिषद है वो लागू करना है या देना है, ऐसे काम तो साधारण बहुमत से किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति की बहुमत या राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड या जो राज्य की विधानसभाओं से रिलेटेड कोई बात हो, या फिर हम कह सकते हैं निर्वाचन पद्धति के बारे में, यानी कि राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति को चेंज करना हो, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करना हो, ऐसे मामलों में संसद में दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत या फिर उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत, संसद के दोनों सदनों का पूर्ण बहुमत या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत। अब जो राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति है और अपने केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन है, इन मामलों में संसद के दोनों सदन है उनमें या तो पूर्ण बहुमत से या फिर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्य और इनके समर्थन में हो तो ही ये परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि साधारण बहुमत से भी होते हैं, 2/3 बहुमत से होते हैं, साथ ही साथ 2/3 बहुमत के साथ आधे से ज्यादा राज्यों से, तो ये कठोर संविधान संशोधन की विधियां हैं, जबकि ये लचीले संविधान संशोधन की विधि है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान है उसमें कठोर और लचीले दोनों का मिश्रण पाया जाता है, इसलिए भारतीय संविधान को कठोर और लचीले के मिश्रण तथा या आप कह सकते हैं कि मध्यम मार्गी, ना कठोर ना लचीला, इस प्रकार का भारतीय संविधान है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में अगली विशेषता न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति आपको पता ही है न्यायालय के पास होती है और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 137 के तहत वो किसी भी कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया ऐसा कोई कानून जो जनता के अधिकारों का हनन करता हो या फिर ऐसी उनके द्वारा ऐसा दिया गया निर्णय जो कि उन्होंने उस पर दोबारा अवलोकन किया हो और निर्णय को परिवर्तन करने की शक्ति, यही न्यायिक पुनरावलोकन है। पुनरावलोकन यानी कि पुनः अवलोकन करके निर्णय को देना, तो वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इसमें इतना ही, धन्यवाद।